हेलो दोस्तों, क्रिकेट ओनली एडी चैनल में आप सबका स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पुणे के एमसीएस स्टेडियम में अपने अगले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। फाफ दू प्लेसिस की टीम ने अपने पिछले गेम में केवल 68 रन पर ऑल आउट होने के बाद एसआरएच के खिलाफ पूरी तरह से एक ऑफ गेम किया था, और ऐसा बहुत कुछ नहीं था जो वे सबके साथ कर सकते हैं। अनुज रावत क्रम के शीर्ष पर असंगत रहे हैं, और वे महिपाल लामर को लाने के लिए ललचा सकते हैं, जो विराट कोहली को क्रम में आगे बढ़ाते हुए एक बुरा विकल्प नहीं है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के पिछले दो मैचों में दो करीबी मुकाबले हैं, और जोस बटलर शीर्ष क्रम में एक पूर्ण मास्टर क्लास रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी ने पिछले दो मैचों में रन लुटाए हैं, लेकिन पिचों में भी बहुत कुछ नीचे चला गया, जो पिछले दो मैचों में टीम के लिए एक बेल्टर रहा था। वे ओवेड मैक्के की जगह नवदीप सैनी या कुलदीप सैन को लेने पर विचार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मैच डिटेल्स के ओर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स, मैच नंबर 39 आईपीएल 2022, एमसीएस स्टेडियम पुणे, डेट एंड टाइम अप्रैल 26 शाम 7:30। लाइव स्ट्रीमिंग होगी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क फॉर टेलीविजन एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। अब जानते हैं पिच रिपोर्ट। एमसीएस स्टेडियम में सीएसके और जीटी के बीच आखिरी मैच हुए काफी समय हो गया है। 170 से ऊपर का कोई भी स्कोर दूसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए कठिन होगा। हालांकि टॉस जीतने वाला कप्तान उस फैक्टर को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने के लिए ललचाएगा। अब देखते हैं प्रोबेबल प्लेइंग एलिवेंस फॉर आरसीबी वर्सेस आरआर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फाफ दू प्लेसिस कप्तान अनुज रावत या महिपाल लामरू, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, सुयश प्रभुदेसाई, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड और मोहम्मद सिराज। नाउ राजस्थान रॉयल्स, जॉस बटलर, देवदूत पाडिक्कल, संजू सैमसन जो कप्तान और विकेट कीपर है, शिमरन हेटमेयर, करुण नैयर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ओवेड मैक्के या उसके जगह पे नवदीप सैनी भी खेल सकते हैं, और युजवेंद्र चहल। प्रोबेबल बेस्ट बैटर ऑफ द मैच जॉस बटलर। वो जिस तरह की फॉर्म में है, उसके साथ जॉस बटलर निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए एक और मैच जिताने वाली पारी खेलने पर विचार करेंगे। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस सीजन में पहले ही 3 शतक जड़े हैं, और वो टूर्नामेंट में अब तक काफी अजय रहे हैं। उन्होंने पिछले गेम में धीमी शुरुआत के बाद अच्छी तेजी की, और आरआर को उम्मीद होगी वो लंबे समय तक क्रीज पर बने रहेंगे। प्रोबेबल बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल ने पिछले गेम में स्पिन गेंदबाजी का एक मास्टर क्लास बनाया था, जब गेंद अपेक्षाकृत गीली थी और गेंदबाजों को पकड़ना मुश्किल था। लेगी ने अपने प्रभावशाली फॉर्म को जारी रखा, और एक उच्च स्कोर वाले खेल में अपने 4 ओवर के स्पेल में 28 विकेट पर 1 रन बनाकर समाप्त किया। वह वर्तमान पर्पल कैप धारक है, साथ ही साथ मैचों में उनके नाम 18 विकेट है। ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।